चलिए लेट्स स्टार्ट. तुम्हारा पेज नंबर 6.1 पर जो चीजें हैं दैट आई हैव कवर्ड अप ओके कंप्लीटली. तुम्हारा कॉस्ट शीट आई हैव फिनिश्ड इट ऑफ. ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हम लोगों ने कर लिया है. एवरी एक्सपेंस इज डिपेंडेंट अपॉन विच क्वांटिटी. सो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री ऑफ कॉस्ट शीट दैट आई हैव फिनिश्ड. ठीक है, अभी पेज नंबर 6.2 पर जो है वो अपने को वो लिखने का है. तुम लोगों ने चार साइड वो छोड़ा था, उधर आ जाओ प्लीज इन योर नोटबुक्स. स्टार्ट करते हैं. सुनो, देखो, अभी जब मैंने कॉस्ट शीट बना लिया ना, सम पीपल स्टार्ट टू थिंक सर ये कॉस्ट शीट हमारे अकाउंट्स की तरह ही तो है, बस आपने स्टेटमेंट फॉर्म की ना तैयार कर दिया. ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, तुम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स की ना जब ये वाली चीज करते हो तो तुम लोग क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. मैं वही वाला फॉर्मेट यहां पर बना रहा हूं एंड देन वील ट्राई टू सी उसके अंदर और इसके ना फर्क क्या है. ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा हूं बस. ठीक है, तो विल गिव द हेडिंग फाइनेंशियल, जो चार साइड रखे थे उसके से फर्स्ट पेज यूज करो, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. For the year ending. तो एक सेंटर के अंदर अकाउंट की तरह लाइन बना सकते हो, क्योंकि ये मैं वही कर रहा हूं बेसिकली. तो आज तक कभी भी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाया तो ऐसा ही स्टार्ट होता है, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP क्रॉस टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. Opening stock, add purchases, less closing stock. बस क्या है, वो स्टेटमेंट था, ये अकाउंट है और कुछ नहीं है. कुछ भी फर्क है तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा. उसके बाद टू डायरेक्ट लेबर. तो बेटा अभी तक ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट चल रहा है तो यहां पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे आएंगे. तो एक मिनट, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, डायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी, तो फैक्ट्री के अंदर ही लगता है ना यार. तो यहां पे टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अभी तक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर है तो सारे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग के ही डाल रहे हैं बस. अच्छा, लेकिन सुनो, अभी एक चीज ध्यान से सुना. देखो, ये जो मैंने एक फनी कंसेप्ट बीच में ये बताया ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है. वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री एंड दीज आर ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस. ठीक है, अभी ना तुम्हारे नॉर्मल अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर ऐसा कोई हेड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिन ऑफ फैक्ट्री. बेटा ऐसा कोई हेड नहीं है.
याद रखना ऐसा एक्सपेंस जब ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर आता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब जो आप लोग 11th स्टैंडर्ड से करते आए हो, तो वो हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ही जाता है। तो ये जो तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना, ये तुम्हारे सारे के सारे फैक्ट्री के खर्चे हैं। सारे के सारे मतलब ये फैक्ट्री के खर्चे भी हैं प्लस आगे बोलोगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री भी है। इसके अंदर कोई अलग से कोई हेड नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसके अंदर इट इंक्लूड्स ऑल दोस कॉस्ट ऑल्सो। तो यहां पे ना एक कलर्ड पेन लेके लिख देना, इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। अच्छा, क्रेडिट साइड पे लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP सुनो। उसके बाद 11th स्टैंडर्ड से लेके आज तक तुम्हारे ना यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर आता था। कई लोग उसको फैक्ट्री कॉस्ट बोल देता था, कई लोग उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल देता था, कई लोग उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बोल देते थे। तुमको कोई और नाम अगर याद है मेरे को वो भी बोल सकते हो, दैट्स ऑल्सो ओके। अच्छा सुनो, ये वाला जो बैलेंसिंग फिगर है थोड़ी देर में ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी स्टार्टिंग विद ओपनिंग स्टॉक ऑब्वियसली ऑफ फिनिश गुड्स। फिर उसके बाद वो ऊपर वाला फिगर इधर आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। यहां पे क्रेडिट साइड पे एक तुमको बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, या फिर ये वाला फिगर अगर वो दिया रहेगा फिर ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा, जो भी। तो यहां पर अभी आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा देखो, अभी तुम्हारा पीएनएल अकाउंट स्टार्ट हो गया। पीएनएल अकाउंट के ना ऑब्वियसली कोई भी अपना 11th स्टैंडर्ड से लेके आज तक का क्वेश्चन याद कर लो, जो भी तुम्हारे ऑफिस के खर्चे थे या जो भी तुम्हारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेल्समैन कमीशन, बेटा वो सब कुछ पीएनएल अकाउंट के अंदर ही आता है। सिंपल चीज है बेटा, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे आ गए, बाकी जो भी सारे के सारे खर्चे होंगे वो पीएनएल अकाउंट के अंदर ही आते थे। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन स्लैश, तुम लोग उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हो, स्लैश तुम लोग उसको ऑफिस एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, जो भी बोलने का है। उसके बाद एसएनडी भी डाल देना, उसके बाद यहां पे तुम्हारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। एक मिनट, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कॉस्टिंग के अंदर तो नहीं आते, लेकिन ये तो मैं तुमको कौन सा अकाउंट सिखा रहा हूं, फाइनेंशियल अकाउंट, इधर तो आएंगे ही आएंगे ना यार, ये तो फाइनेंशियल अकाउंट सिखा रहा हूं, ठीक है। और क्रेडिट साइड पे ऑब्वियसली फाइनेंशियल इनकम्स भी आएगा,
बस ऑल डन, दिस इज नेट प्रॉफिट। अच्छा देखो क्या करते हैं, जो तुम लोगों ने कंक्लूजन वहां से निकाले थे ना, यहां से कॉस्ट शीट वगैरह से, ठीक है, अभी वही वाले कंक्लूजन यहां से भी निकालते हैं, तो तुमको समझ में सब कुछ आ ही जाएगा खुद ब खुद। यहां पे लिख के रखो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल, अच्छा सुनो वही वाली चीजें मैं तुमको फिर से बोल रहा हूं, रॉ मटेरियल स्टॉक और एवरी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब इसके ऊपर देख लो, तो बेटा इसके ऊपर कौन सा कॉस्ट पड़ा हुआ है, परचेज कॉस्ट, तो यहां पे लिखो परचेज कॉस्ट, डब्ल्यू आई पी स्टॉक, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से ध्यान से ध्यान से सुनना। देखो अभी क्या है, एक बस छोटा सा फर्क है, जो तुम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाया और ये है अकाउंट। अब ना जरा सोचो, मैं तुमको ये नहीं बोल सकता डब्ल्यू आई पी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब इसके ऊपर देख लो, इसके ऊपर कुछ मिलेगा नहीं तुमको, ओके तो डेबिट साइड पे देखो फिर, वॉट एवर इज देयर ऑन द डेबिट साइड विल फ्लो ऑन द क्रेडिट साइड, बेटा डेबिट साइड से ही क्रेडिट साइड वो बनता ना यार, तो डब्ल्यू आई पी स्टॉक इधर है, डब्ल्यू आई पी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब डेबिट साइड पे देख लो, मेरे को बोलो डेबिट साइड पे चार ही खर्चे आ रहे हैं, बोलो कौन से चार, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, और याद रखना फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर, आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो, ये वाला अमाउंट भी इंक्लूड हो जाता है, वहां पर उसका अलग हेड होता है लेकिन यहां पे उसका अलग हेड नहीं होता, ओके तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो डीएम प्लस डीएल प्लस डीई प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, और अभी बच गया फिनिश गुड स्टॉक, अच्छा सुनो फिनिश गुड स्टॉक बेटा इधर है, फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब इसके ऊपर देख लो, तो कहने से इसके ऊपर बेटा अभी भी चार ही कॉस्ट हैं तुम्हारे, कौन से चार कॉस्ट बेटा, डीएम डीएल डीई एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, मेरे को बोलो ऑफिस तो पीएनएल अकाउंट के अंदर है ना, एसएनडी तो पीएनएल अकाउंट के अंदर है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस तो पीएनएल अकाउंट के अंदर है, ओके तो फिनिश गुड्स के अंदर यहां पे चार चीजें जाएंगी, लिख सकते हो डीएम प्लस डीएल प्लस डीई प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, चलो ये वाला भी काम हो गया। सुनो अच्छा, जैसे तुम लोगों ने तीन पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट किया था ना, मैं यहां पे ना तीन पार्ट नहीं करूंगा क्योंकि तीन पार्ट ऑलरेडी तुम लोगों ने कर लिए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, और क्या तीन पार्ट्स, और क्या पार्ट्स करूं यार, ओके तो अब देखो कई चीजें तुमको लगेगा सेम है लेकिन कई चीजें शायद फर्क भी पड़ेगा। देखो ये सारे के सारा चीजें, ये सारा का सारा अकाउंट, ठीक है, अगर ध्यान से सोचोगे, आई अंडरस्टैंड फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब ही बदल गया, वहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ये वाला चीज इंक्लूडेड नहीं होता, उसका अलग से एक हेड होता है लेकिन यहां पर तो इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से सोचोगे तो तुमको समझ में आएगा ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इट इज ऑलमोस्ट लाइक योर फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट ओनली, इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट ओनली, वो वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट यहां तक सेम ही है, बस क्या है ये चीज स्टेटमेंट के अंदर है, वो चीज अकाउंट के अंदर है, जरा सोचो ऑलमोस्ट वन टू वन में टैली कर देता हूं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी, ओके इधर हम लोगों ने लिखा, उधर हम लोगों ने डेबिट साइड पे लिखा, उसके बाद क्या क्या ऐड किया बेटा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओके वो सब चीजें डेबिट साइड पे लिख दी, उसके बाद हम लोगों ने क्रेडिट साइड पे क्या लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी, तो वो हम लोगों ने लेस कर डाला, ओके
तो ये वाला फैक्ट्री कॉस्ट वैसा ही चीज है जैसा तुम्हारे क्रेडिट साइड पर आया. ओके हाँ, बस एक चीज जरा याद रखना, फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब बदल गया. कॉस्ट शीट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स कहने से हम लोग क्या निकाल देते हैं, एडमिन दैट इज इनकर्ड फॉर एडमिन ऑफ फैक्ट्री, क्योंकि उसका अलग से हेड हो जाता है. ओके लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर वैसा कोई चीज नहीं है, वो तो दोनों इकट्ठा ही हो जाता है. ठीक है, तो अब मैं तुमको क्या बोलता हूं ध्यान से सुन लेना, शायद डायरेक्टली समझ में आ जाएगा. ये वाला फैक्ट्री कॉस्ट ऑलमोस्ट वैसा ही फैक्ट्री कॉस्ट है जैसे तुम्हारी कॉस्ट शीट के अंदर था. ठीक है, तो अभी क्या करो, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट पे जाओ, मेरे ख्याल से उसके बाजू का बाजू ये जो तुम्हारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था, जो तुम लोगों ने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाया, कैन वी से दिस फैक्ट्री कॉस्ट. ओके स्क्रीन पे जरा देखो, दिस फैक्ट्री कॉस्ट इज सिमिलर टू द नेट फैक्ट्री कॉस्ट दैट यू हैव गॉट. देखो जरा, बस क्या है, ये अकाउंट फॉर्मेट के अंदर है, वो कॉस्ट शीट के अंदर है. करेक्ट नो? करेक्ट नो? ठीक है, ओके. तो मैं अभी जो तुमको बोलता हूं ध्यान से वो सुन लेना, समझ में डायरेक्टली आ जाएगा. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओके, विल स्टिल गेट इनकर्ड फॉर, आगे बोलोगे, मेकिंग फिनिश गुड्स एंड मेकिंग डब्ल्यू आई पी. समझ में आता है? वैसे भी जरा सोचो, डीएम, डीएल, डीई, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर इनकर्ड इवन फॉर डब्ल्यू आई पी. नो यार, मतलब दे आर इनकर्ड नॉट ओनली फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, आगे बोलो, दे आर ऑल्सो इनकर्ड फॉर मेकिंग डब्ल्यू आई पी. ठीक है, अभी तुमको नेक्स्ट चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा. जरा सोचो, ये जो तेरा बैलेंसिंग फिगर है, यही वाला बैलेंसिंग फिगर इधर आता है, बराबर. मेरे को इस अकाउंट का नाम चिल्ला के बोलो, ये जो चिंटिया सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट मतलब तुम लोग क्या ट्रेड करते हो, मेरे को बोलो, तुम लोग क्या ट्रेड करते हो, रॉ मटेरियल, डब्ल्यू आई पी के फिनिश गुड्स? फिनिश गुड. हम लोग डब्ल्यू आई पी किसी के साथ ट्रेड थोड़ी करते हैं. ओके, तो ये वाला जो कॉस्ट है ना बेटा, दिस इज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स दैट यू हैव मेड. ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, तुमको भी समझ में आएगा मैं क्या बोलने वाला है. देखो, दिस इज शुरू में तुम्हारे पास कितना यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स था, ये है और कितना यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बनाया, ये है कितना यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स तेरे पास एंड में भी है. बराबर से सोच के बोलना, मेरे को ये हरा लाइन नहीं लिखने का है, मेरे को ये लाइन भी नहीं लिखने का है, मेरे को ये लाइन भी नहीं लिखने का है. मेरे को बोलो, ये तीन लाइन के बदले में मेरे को एक ही लाइन लिखने का है. तुम लोग मुझसे एक लाइन, अगर तीनों के बदले में एक ही लाइन लिखवाने का होगा, क्या लिखवाएगा बोलो, सोच के बोलो, बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. बेटा, दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये है शुरू में कितना फिनिश गुड्स था, ये है और कितना बना है, ये है एंड के अंदर कितना है. क्या इसे बैलेंस उन्हें बेच दिया रहेगा ना, तो ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मैं तीनों के बदले में यहां पे सीओजीएस भी लिख देगा, सीओजीएस विल कॉम्पनसेट नो फॉर ऑल ऑफ देम. सीओजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो देयरफॉर ऑब्वियसली ओपन, तुम लोगों ने कॉस्ट शीट के अंदर भी तो वही किया था ना, कॉस्ट शीट के अंदर. एक मिनट, कॉस्ट शीट किधर गई, कॉस्ट शीट किधर गई, सुनो बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल गिव यू व्हाट यार, सीओजीएस ओनली नो. ओके अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, इन दिस केस यहां पर तो मैं यहां पे सेल्स लिख सकता हूं, मैं यहां पे सीओजीएस लिख सकता हूं, मैं यहां पे जीपी लिख सकता हूं, जीपी जो है इधर आ जाएगा. और ये वाले जो दो एक्सपेंसेस है ना, दे आर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट ग्रॉस प्रॉफिट. कैन यू से ग्रॉस प्रॉफिट इज अ रिजल्ट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड? नो बेटा, ये सेल्स आया. मेरे को बोलो, सेल्स दुनिया में क्यों आता है? बिकॉज यू सेल. सीओजीएस इट इज अ कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स दैट यू सोल्ड. तो कैन यू से प्रॉफिट भी तो तभी आता है ना, मैंने भाई यू सेल. और तूने फिर ये वाला खर्चा किसके अगेंस्ट लिख डाला? ग्रॉस प्रॉफिट के अगेंस्ट. तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट तो क्वांटिटी सोल्ड की वजह से आता है. तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और एसएनडी आर ऑल्सो इनकर्ड फॉर विच क्वांटिटी? क्वांटिटी सोल्ड. मैं बस तुमको क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि तुम्हारा कॉस्ट शीट जो है वो एक स्टेटमेंट है. ये जो है, बोलो, ये जो है अकाउंट है, लेकिन अल्टीमेटली चीजें तो वो ही रहेंगी ना बेटा. वहां पे आप एक के नीचे एक लिखते हो, यहां पे आप डेबिट और क्रेडिट साइड पे लिखते हो. ओके, जो भी तुमको मैंने वहां पर वो समझाया था थ्रू कॉस्ट शीट, मैं तुमको यहां पर वो समझा रहा हूं थ्रू द अकाउंट. देयर इज नथिंग एल्स. ओके, तो मैं क्या बोलता हूं,
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर इनकर्ड फॉर विच क्वांटिटी, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड फॉर फिनिश गुड्स प्लस WIP. लेकिन एडमिन एंड S&D विल बी इनकर्ड फॉर विच पर्टिकुलर क्वांटिटी, क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स. तुमको समझ में आता है? तो यहां पर मैं तुमको वही चीज बस वो लिखवा रहा हूं. तो राइट डाउन ओवर हियर एवरी एक्सपेंस. वहां पे जैसे तीन पार्ट्स करवाए थे, ये वही वाली चीज है. एवरी एक्सपेंस इनकर्ड फॉर विच क्वांटिटी. मेरे को बस दो ही लाइन चाहिए वैसे तो. लिखो DM कॉमा DL कॉमा DE कॉमा फैक्ट्री ओवरहेड्स. देखो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP. उसके बाद एडमिन स्लैश S&D डिपेंडेंट अपॉन विच क्वांटिटी, क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स. चलो सुनो, आर मोस्ट ऑफ द थियरीज ओवर. तुम्हारे पास शायद दो साइड्स अभी वो पेंडिंग होंगी या तीन साइड्स वगैरह. वो वेन एवर देर आर समथिंग्स फॉर यू ऑल टू रिमेंबर, आई विल मेक इट राइट ओवर हियर ओनली. अभी जिधर क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व किया था उसके बाद आ जाओ, क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर टू. चलो सुनो, अभी ना तुमको एक्सपेंसेस को क्लासिफाई भी करना पड़ेगा. कोई भी एक्सपेंस अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा तो आप लोग उसको FOH करके वो लिख देना. फिर उसके बाद अगर ऑफिस वाला खर्चा होगा, मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो आप लोग वहां पे EDM करके वो लिख देना. S&D का खर्चा होगा तो S&D करके वो लिख देना. लास्ट अगर वो बड़ा वाला, वो लंबा वाला खर्चा होगा, लंबा वाला मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, वहां पे ना ऐसा लिख देना EDM ब्रैकेट के अंदर P. P मतलब प्रोडक्शन. ठीक है, तो अपने को भी वो ट्रैक रहेगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पढ़िए, अ कंपनी गिव्स द फॉलोइंग डेटा फॉर अ मंथ. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स 25,000 यूनिट्स, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स 26,000 यूनिट्स, डायरेक्ट मटीरियल 50,000 kgs परचेज एट द रेट ऑफ 2 पर kg, डायरेक्ट लेबर 40,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 5 पर आवर. अभी तक कोई तकलीफ नहीं है, अभी तक हर एक चीज अपने को मालूम है. अभी स्टार्ट करते हैं. फैक्ट्री रेंट फॉर द मंथ. मेरे को बोलो फैक्ट्री रेंट किधर आएगा बेटा? फैक्ट्री आगे लिख देना FOH. आगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी किधर आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स. सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर ADMP, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री. आगे सैलरी टू ऑफिस सेक्रेटरी, वो जनरल एडमिन. उसके बाद ऑफिस रेंटल, जनरल एडमिन, वो ऑफिस का खर्चा है. जो भी ऑफिस का खर्चा होता है वो जनरल एडमिन के अंदर ही आ जाएगा. उसके बाद एडवर्टाइजमेंट S&D. उसके बाद बैड डेट्स वी विल वेट. उसके बाद सैलरी ऑफ सेल्स वुमेन. बोलो सेल्स वुमेन. अभी ये लोग क्या करेगा, गुड्स बेचेगा ना, तो ऑब्वियसली किधर आ जाएगा? S&D के अंदर. स्टॉक्स एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ ऑफ रॉ मटेरियल 5,000 kgs एट द रेट ऑफ 1.5, WIP 60,000, finished goods 2,000 units at the rate of 16, stocks at the end of the month of raw material 10,000 kgs, WIP 70,000 rupees, finished goods question mark. Make cost sheet assuming company follows FIFO method for valuation of stock. चलो start करते हैं. सुनो अब ये questions, बस start करने से पहले एक छोटा सा चीज देखो. तुम लोगों को मैंने ज्यादातर discussion तो कर लिया है, हर एक expense किधर आएगा. ठीक है,
अभी दो एक्सपेंसेस आई एम आस्किंग यू, तुम्हारे हिसाब से मेरे को जरा बोलना किधर आएगा, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से व्हाट एवर दी सीन। एक एग्जांपल जो इस क्वेश्चन के अंदर ही आया, बैड डेट्स, मेरे को बोलो मैं तुमको सात हेड देता है, ठीक है, सात हेड देता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री, उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक उसके बाद एसएनडी, कितने हेड हो गए, वन टू, एक मिनट, एक डायरेक्ट एक्सपेंसिव भी तो था, सॉरी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एक लास्ट हेड मेरी तरफ से गिफ्ट, फाइनेंशियल एक्सपेंस, ठीक है, वो भी तो हो ही सकता है, अगर कोई एक्सपेंस फाइनेंशियल एक्सपेंस होएगा फिर वो कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आएगा, वो अपना बात हो गया, ठीक है। अब मेरे को जरा बोलो तुम्हारे हिसाब से बैड डेट्स किधर किधर आ सकता है, तुम्हारे हिसाब से बोलो बैड डेट्स किधर आ सकता है, एक जगह बोलोगे तो भी अच्छा रहेगा, आगे तुम्हारी मर्जी बोलो। अच्छा मेरे को बोलो डायरेक्ट मटेरियल किसने बोला, नहीं बोला, चलो ब्रिलियंट, आगे डायरेक्ट लेबर किसने बोला, मेरे को बस बोलो यस या नो, कोई डायरेक्ट लेबर बोला, नहीं बोला, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नहीं, वैसे भी ये तीनों तो प्रोडक्शन खर्चे होते हैं, बैड डेट्स कब होता है, जब आप गुड्स बेचते हो, ठीक है, तो वो चीज तो नहीं कर सकते थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बोला होगा, ये भी प्रोडक्शन वाला ही खर्चा है, ठीक है, बच गए तीन, मेरे को जरा बोलो तुम्हारे हिसाब से किधर आएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंस, ठीक है, और जनरल, और ऐसे अभी तो तीन ही तो बच गए यार, ओके सुनो मैं क्या बोलता है, लेट्स थिंक, तुमको बैड डेट्स का मतलब मालूम है, बैड डेट्स का मतलब बताओ, चलो बैड डेट का मतलब क्या होता है, तुम लोगों ने गुड्स बेच दिया, बंदा भाग गया, ओके, मतलब उस बंदे ने पैसा वो नहीं दिया, ओके, एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, ओके, इंस्टॉलमेंट के अंदर फीस पूरा का पूरा नहीं भरा, पहले भाग गया, ओके, दैट इज बैड डेट, राइट, इट बिकम एन एक्सपेंडिचर, नो फॉर मी, ओके, इट इज बैड डेट्स, राइट, तो इन दैट पर्टिकुलर केस बैड डेट्स, अभी बैड डेट्स मेरे ख्याल से एडमिन का खर्चा तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बैड डेट्स तब होता है जब आप लोग गुड्स बेचते हो, ठीक है, तो बैड डेट्स इन दोनों के अंदर से किधर ना किधर आएगा, अभी किधर ना किधर आएगा, मेरे को तो एक जगह चाहिए, ठीक है, अभी सुनो ध्यान से सुनना मैं तुम्हें क्या बोलता हूं, मैंने तुमको बोला कि ना एक तो कॉस्टिंग के अंदर कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते, इफ यू कैन प्रूव समथिंग इज करेक्ट, ओके, इट इज करेक्ट ओनली बस, बट यू शुड बी एबल टू गिव अ लॉजिकल काइंड ऑफ अ कंक्लूजन कि भाई एक चीज करेक्ट है, तो मैं सोचता हूं कि बैड डेट्स क्यों हुआ, ठीक है, सॉलिड एग्जाम्पल देता है, बराबर से सुनना, मैं एक बार आई चेंज द एग्जाम्पल, सुनो, एक कोई दुकानदार था, ओके, used to make very good goods, okay, बहुत sexy goods वो बेचता भी था, okay, लेकिन ज्यादा लोग नहीं खरीदते थे, उसने एक दिन ऐसे सोचा यार मेरा sales को नहीं होता, फिर उसको ध्यान में आया क्योंकि he sells the goods only on cash, okay, तो जिसके पास cash होता है वही goods लेके जाता है, जिसके पास cash नहीं होता तो वो goods नहीं लेके जाएगा, okay, एक दिन उसने अपना plan बदला, उसने बार board लगाया कि गुड्स आर अवेलेबल ऑन क्रेडिट ऑल्सो, आज लेके जाओ, ओके, वन मंथ के अंदर कभी भी आकर पैसा वो दे देना, ऑब्वियसली अगर ऐसा बोर्ड कोई लगाएगा सेल्स बढ़ना तो स्टार्ट होएगा, ओके, सेल्स विल स्टार्ट टू इंक्रीज, नो, ओके, क्योंकि जिन लोग के पास पैसा नहीं है वन दोज गाइस विल बाय द गुड्स, राइट, ओके, तो उसने गुड्स क्रेडिट के ऊपर दिया, ओके, सेल्स बढ़ना स्टार्ट हो गया, बीच में कई लोगों ने पैसा नहीं दिया, कैन यू से इस बंदे का बैड डेट्स तो हो गया, अभी ये बंदा सोचेगा बैड डेट्स क्यों हुआ, मेरे को जरा बैकवर्ड जाके बोलो बैड डेट्स क्यों हुआ, Because he sold the goods on credit. Why the hell he sold the goods on credit? Because he wanted to increase the sales. So any expense that is incurred to increase the sales should be nothing but selling and distribution expense. S&D वो ही होता है ना यार, कुछ भी खर्चा बेचने के लिए होता है तो वो तो फिर S&D हो जाता है. This is one logic how some people say कि bad debts is nothing but S&D. अगर तुमको ये एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा लगा देन यू कैन ट्रीट इट लाइक S&D, ठीक है, काम खत्म हो गया. दूसरा, अभी उल्टा एग्जांपल, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसकी शॉप के अंदर गया, मैंने बोला ये गुड्स मेरे को देते हैं, बोलता ठीक है, मैंने बोला कितने का दिया, बोलता MRP जो है 100 rupees का है, मैंने बोला ठीक है ये 100 rupees मैं देता हूँ, ये गुड्स तू मेरे को देते, बोलता नहीं तुझसे पैसे मैं कैसे लूंगा, तू मेरा फ्रेंड, मैंने बोला ठीक है मैं जाता हूँ फिर, बोलता नहीं सुन अपने इधर वो पॉलिसी है वेदर यू वॉन्ट और डू नॉट वॉन्ट वी गिव यू वन मंथ का क्रेडिट, ओके, दिस इज आर पॉलिसी फॉर एवरी कस्टमर, ओके, इवन इफ यू कैन पे वी विल टेक द मनी आफ्टर वन मंथ ओनली, मैंने बोला बहुत अच्छा पॉलिसी है, ओके, मैंने गुड्स लिया, मैं घर पे चला गया,
उसके बाद मैं जिंदगी भर मैंने कभी उसका मुंह ही नहीं देखा. ओके, मैं कोई और जगह के अंदर शिफ्ट हो गया, मैंने अपना नंबर भी वो बदल डाला, अभी उस बंदे का बैड डेट तो हो गया. अभी जरा सोचो, जो मेरा फ्रेंड है उसका 100 रुपए का बैड डेट तो हो गया, अभी वो क्या सोचेगा? वो ये तो नहीं सोचेगा कि बैड डेट्स इसलिए हुआ बिकॉज ही वॉन्टेड टू इंक्रीज द सेल्स. अगर वो बंदा बोलता कैश दो, मैं तो कैश भी देने के लिए तैयार था. ओके, लेकिन उसने बोला कि क्रेडिट के ऊपर तू लेके जा, मैं तो भाग गया उधर से. ओके, तो उस बंदे का बैड डेट्स तो हो गया. अभी बैड डेट्स इसलिए नहीं हुआ बिकॉज ही वॉन्टेड टू इंक्रीज द सेल्स, इट वॉज जस्ट हिज पॉलिसी. ओके, तो अगर ऐसा है तो मतलब इट वॉज नॉट एन एक्सपेंस विच इज इनकर टू प्रमोट द सेल्स. ओके, तो अगर ऐसा है तो फिर वो कौन सा एक्सपेंस नहीं हो सकता? S&D. तुमको समझा जो मैंने बोला? मैं फिर से बोलूं एक बार, इन दिस केस इट वॉज नॉट बिकॉज, बोलो, मैं तुम ही लोगों से, मैं चकना थोड़ी है, बोलो ना यार. हाँ, इट वॉज नॉट बिकॉज दैट ही वॉन्टेड टू प्रमोट हिज सेल्स. मैं तो वैसे भी पैसा देने के लिए तैयार था ना यार. ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस He told that you come after 1 month. I went away forever. Okay, so therefore, इसलिए तो नहीं हुआ because he wanted to increase the sales. तो मतलब फिर वो S&D नहीं हो सकता. अभी S&D नहीं हो सकता और कोई head के अंदर वो जा भी नहीं सकता. अगर ऐसा होएगा तो in that case it will become which expense here? Financial. तो अगर तुम लोग सोचते हो मेरा पहला explanation अच्छा था, then you can take it as S&D. अगर तुम लोग ये सोचते हो कि मेरा second explanation वो अच्छा था, you can take that as financial. Okay, in real लाइफ क्या होगा, कंपनी को मालूम होगा कि दोनों के अंदर से कौन सा सिचुएशन है. अपने को बेटा क्वेश्चन देख के नहीं पता चलेगा ना कि कौन सा सिचुएशन है. ओके, तो इसलिए तुम्हारे सिलेबस के लिए, तुम्हारे सिर्फ एग्जाम्स के लिए, बैड डेट्स के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन होता है, या उसको क्या मान लेने का S&D, या उसको क्या मान लेने का फाइनेंशियल. डू वन थिंग, राइट डाउन द नोट फॉर द अदर कि मैंने ऐसा किया है, ऑल्टरनेटली तू ऐसे भी कर सकता था. तो क्या है, यू आर ऑलवेज ऑन अ सेफर साइड. ओके, एग्जामिनर को जो अच्छा तो वो लगेगा, वी हैव डन बोथ द थिंग्स. ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल बैड डेट्स का. तो आप बैड डेट्स को कुछ भी मान सकते हो, दैट इज ओके. अभी दूसरा एग्जाम्पल, ये तुमको अच्छा लगेगा. दिस इज कैश डिस्काउंट अलाउड. पहले मेरे को बोलो कैश डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है कि इनकम होता है? बोलो, कैश डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होएगा कि इनकम होएगा? अपने को पैसा कम मिलेगा ना बेटा, तो एक्सपेंस ही हुआ ना मतलब. ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस, अब बराबर से सुनना, देखो. Listen. Now, in this case, कुछ ऐसा, मैं एक बार आई वॉन्टेड टू बाई सम गुड्स. ओके, तो मैं कोई दुकान में गया, मैंने उस बंदे को कुछ ऐसा बोला, एक सेकेंड. जस्ट अ सेक. तो कुछ ऐसा हुआ, सपोज मैं एक दुकान के अंदर गया, MRP. मैंने उस बंदे को पूछा, यार एक यूनिट तूने कितने में दिया? बोलता 90 रुपीज में दिया. मैंने बोला कुछ डिस्काउंट वगैरह तो करना? बोलता डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं होता. मैंने बोला प्लीज. बोलता नहीं, प्लीज तू मत बोला कर. बोला प्लीज. बोलता नहीं नहीं वो ऐसा कुछ नहीं, 90 रुपीज तो 90 रुपीज. बोला मैं बहुत गरीब है. बोलता मेरे को उससे क्या करने का है? तो तू गरीब है तो मैं क्या करूं? बोला थोड़ा सा डिस्काउंट दे. बोलता नहीं देगा. मैंने बोला सुन, मैं तुझसे अभी 1 लाख यूनिट्स खरीदता हूँ. बोलता तू गरीब कैसे? मैंने बोला वो जाने दे. ओके, मैं 1 लाख यूनिट तुझसे वो लेगा अभी, डिस्काउंट देता है क्या? बोलता हाँ, फिर तेरे को ना 20 रुपीज पर यूनिट का डिस्काउंट देगा. मैंने बोला वेरी गुड. तो 20 रुपीज का डिस्काउंट देगा तो ये 70 रुपीज इज पॉपुलरली कॉल्ड एज नेट सेलिंग प्राइस. इट इज कॉल्ड एज वॉट? नेट सेलिंग. याद रखना, जब वो बंदा सेल्स का एंट्री पास करता है ना, तो वो बंदा 70 का एंट्री पास करेगा. जब मैं परचेजेस का एंट्री पास करूंगा, मैं 70 रुपीज का करूंगा. ये जो 20 रुपीज है, दिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट. दुनिया में 20 रुपीज की कोई एंट्री नहीं पास करता, क्योंकि सब लोग एंट्री पास करेगा फॉर द नेट फिगर. कितने रुपीज का? 70. तो वो बंदा मेरे को 70 रुपीज के अंदर गुड्स देने के लिए तैयार था. आई वॉज बाइंग 1 लाख यूनिट्स. ऑलमोस्ट अपना डील हो गया था. मैंने उसको एक लास्ट टाइम बोला, मैंने बोला तू थोड़ा सा और डिस्काउंट देना. बोलता तू पागल है, मैंने 20 रुपए पर यूनिट का डिस्काउंट तो दिया. बोला थोड़ा सा और वो कर करके दे. बोलता नहीं करेगा. बोला मैं बहुत गरीब. बोलता वो मालूम है मेरे को कि तू कितना गरीब, और डिस्काउंट नहीं देगा. मैंने प्लीज वो थोड़ा सा. बोलता थोड़ा बोड़ा वो कुछ नहीं. मैंने बोला सुन,
अभी अभी जेब के ना 50 लाख रुपए है, तेरे को अभी अभी मैं सेटल करेगा, बाकी पैसा एक घंटे के ना तो वो भिजवाएगा। बोलता तू गरीब कैसा है, मैंने बोला वो तो जाने दे, ओके, लेकिन तू डिस्काउंट देगा क्या? बोलता चल ठीक है, अभी अभी पैसा देता है तो 10 रुपए पर यूनिट का और डिस्काउंट देगा। बोलता ठीक है। सो देयरफॉर पर यूनिट नाउ विल बिकम कितना, 60। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाउ ये वाला डिस्काउंट अपने को क्यों मिला, क्योंकि मैं उस बंदे को कैश पे कर रहा हूं, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, कहने से ये 10 रुपीज जो है, दिस इज एक्सपेंस फॉर हिम, नो। अभी जो भी सोच रहे हो उसके एंगल से सोचना, क्योंकि वो गुड्स बेच रहे हैं, मैं तो परचेजर हूं, वो सेलर है। याद रखना, जब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल्स का एंट्री मारेगा ना, हमेशा टू एंट्री कितने रुपीज का मारेगा, 70। और ये जो 10 रुपीज है, ये तुम लोग डेबिट साइड में अलग से दिखाओगे, कैश डिस्काउंट अलाउड कितने रुपीज का, 10। तुमको समझ में आ गया, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता लेकिन कैश डिस्काउंट का होता है। तुम लोग 11 स्टैंडर्ड से तो करते आए हो ना यार, ओके, ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होगा, कैश डिस्काउंट का होगा, ठीक है। कैश डिस्काउंट 10 रुपीज। अभी क्या है, कॉस्टिंग के अंदर ये 10 रुपीज किधर आएगा बेटा, ये एक्सपेंस है ना, नाउ एक्सपेंस हैज टू बी क्लासिफाइड अंडर द हेड्स। तुम्हारे पास इतने सारे हेड्स हैं, किसी ना किसी हेड के अंदर तो घुसाना पड़ेगा। अब तुम लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलो, आज तुमको अराउंड बहुत सारा एक्सपीरियंस वो मिल ही चुका है, मेरे को बोलो कैश डिस्काउंट के लिए तुमको क्या लगता है कि किधर किधर या किधर जा सकता है, मेरे को वो बोलो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और, मेरे ख्याल से तो फाइनेंशियल के अंदर भी जा सकता है। अभी क्यों, देखो कोई ऐसा बोल सकता है सर तुम लोग कैश डिस्काउंट इसलिए देता है ताकि सेल्स बढ़ जाए, दैट इज वन वे। कोई ऐसा बोल सकता है नहीं 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 सर आप कैश डिस्काउंट इसलिए देता है ताकि कैश जल्दी मिल जाए। अरे तुमको समझ में आता है, कल को अगर वो बंदा भाग गया तो ओके मेरे को अभी अभी कैश चाहिए यार, ओके। तो अगर तुम लोग ऐसा बोलते हो कि कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि सेल्स बढ़ जाए, तो मतलब फिर वो कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा, S&D। अगर तुम लोग बोलते हो नहीं नहीं सर कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि अपने को कैश जल्दी मिल जाए, तो फिर वो S&D नहीं होएगा, क्योंकि इट इज नॉट इनकर टू प्रमोट सेल्स, इट इज इनकर टू गेट द कैश फास्टर। तुमको समझा? सो देन इन दैट पर्टिकुलर केस वो वाला एक्सपेंस किधर चला जाएगा बेटा, फाइनेंशियल। तुम्हारी मर्जी, तुमको जो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है यू ऑल कैन बी डूइंग इट, ठीक है। तो इसलिए बैड डेट्स के आगे दो चीजें लिख के रखना, बैड डेट्स के आगे लिखो इन योर टेक्स्ट बुक, लिखो ईदर S&D और फाइनेंशियल। चलो ठीक है, अब मेरे को पहले दो में से एक चीज वो बोल देना, तुमको बैड डेट्स को क्या ट्रीट वो करने का है, क्योंकि मेरा नोट उसके हिसाब से आएगा। मेरे को बोलो तुमको क्या ट्रीट करने का है, S&D, ठीक है। अभी एक काम जरा करो, जिधर वो 3 पेज तुम्हारे वो बाकी थे ना, उधर आके एक नोट पहले वो लिख लो, देन वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। लिखो एक हेडिंग दे दो, डिस्प्यूटेड एक्सपेंस। Disputed expense. Next line भी लिखना, bad debts and cash discount allowed. Dash can either be treated as S&D or as financial expense. Full stop. If it is treated as financial expense, likho, if it is treated as financial expense, comma, it will not come in cost sheet.
वापस आ जाओ जिधर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सुनो, मैं जब भी क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन सोचता हूं ना, मैं हमेशा शुरू में ऐसा ही सोचता हूं, हमेशा हमेशा हमेशा। मेरे को क्वेश्चन स्टार्ट कर लेने के लिए ना चार क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद क्रेडिट साइड पे बेटा क्या आ जाता है, क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स, और यहां पे क्या आ जाता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब ये चार में से पहले तुम लोग आराम से सम पढ़ो, मेरे को बोलो कौन कौन सा क्वांटिटीज है, मेरे को क्वांटिटीज बताते रहना, क्वांटिटीज क्वांटिटीज। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का देखो, फिनिश गुड्स कितना क्वांटिटी था बेटा, 2000। मेरे को बोलो क्वांटिटी प्रोड्यूस दिया हुआ है क्या, जल्दी जल्दी देखा करो, 25,000। क्वांटिटी सोल्ड दिया हुआ है क्या, 26,000। तो बेटा फिर तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी कितने यूनिट्स का आ जाएगा, 1,000। ठीक है, सो 1,000 इज गोइंग टू बी आर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये अपने को बाद में ना इसका नोट तैयार वो करना पड़ेगा, दिस फिगर विल बी दिस फिगर प्लस दिस फिगर माइनस दिस फिगर विल गिव यू दिस। सबको समझ में आ गया, ये हम लोग एंड के ना नोट वो प्रिपेयर वो करेंगे। अभी हम लोग कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं। जरा देखो इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट शीट इज फॉर अ मंथ क्या, फर्स्ट लाइन इट इज गिवन टू यू नो द डेटा इज गिवन फॉर अ मंथ। ओके, तो लिखो जरा प्लीज कॉस्ट शीट। फॉर द मंथ, आगे कौन सा मंथ है वो सब कुछ वो दिया ही नहीं, जस्ट फॉर द मंथ या मंथ एंडेड आगे डैश डैश वो डाल दो, दैट्स ओके। आगे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स, क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा, क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स बेटा, सॉरी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स का था, 25,000, और ये कितना था, 26,000। चलो मैंने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी रखी हुई हैं इस क्वेश्चन के अंदर, लिखिए जरा प्लीज, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक and purchases less closing stock. Direct labor, शायद direct expenses तो था ही नहीं, prime cost अच्छा सुनो पहले प्राइम कॉस्ट तक चलो, लेट्स ट्राई टू कंप्लीट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जरा चेक करो, ओपनिंग स्टॉक 5,000 केजीस एट द रेट ऑफ कितना रुपीस लिखा बेटा, 1.5, तो दिस विल बी 7,500।
आगे परचेजेस, परचेजेस और कितना परचेज किया बॉस? 50,000 केजीज एट द रेट ऑफ 2 रुपीज। डायरेक्ट लेबर, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बेटा कितने केजीज का है? 10,000। सुनो कंप्लीट वन सेंटेंस नो फॉर मी। रॉ मटेरियल स्टॉक, अभी उसका वैल्यू अपने को नहीं दिया हुआ, वैल्यू तो अपने को चाहिए, अपने को तो केजीज के अंदर दिया हुआ है। मेरे को बोलो रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट होता है? परचेज कॉस्ट। और सम के लास्ट टाइम पे देखो उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है, फॉलो विच मेथड फीफो। मेरे को एक ही बार बोलना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल गेट वैल्यूड एट व्हाट नंबर? 2 रुपीज। ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम हो गया रहेगा, तो कैन वी से क्लोजिंग स्टॉक विल बी आउट ऑफ दिस? नो, सो देयरफॉर इट विल गेट वैल्यूड एट 2 रुपीज। और जिंदगी में ना फ्यूचर के अंदर प्लीज ऐसा ही सोचा करो, रॉ मटेरियल परचेज होकर कंज्यूम होता है ऑब्वियसली, लेकिन फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होकर, कंप्लीट द सेंटेंस, बिकता है। ओके, सो ऑब्वियसली, ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस अभी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपने को मिल जाएगा, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम बेटा कितना आएगा? 20,000 कितना आ जाएगा? 87,500। कैलसी लो, सुनो, This should actually be divided by quantity produced of finished goods plus WIP. लेकिन WIP का quantity इस question के अंदर भी देख लो नहीं है, तो मजबूरी के अंदर we only divide by which quantity? Quantity produced. तो 25,000 से divide करो, 3.50। आगे डायरेक्ट लेबर, बेटा वर्कर लोगों ने कितने आवर्स काम किया है जरा वो देखो, 40,000 आवर्स, और हम लोगों को पेमेंट करने वाला है एट व्हाट रेट? यार 5 पर आवर, तो ये आ जाएगा 2 लाख्स। प्लीज डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, 8 रुपीज। इनके ऊपर चाहो तो वही एस्ट्रिक डाल सकते हो, शायद उसके लिए अभी फिर से नहीं लिखेंगे, पिछले क्वेश्चन के लिए लिख ही दिया था, और ये चीज एग्जाम के ना करना कोई कंपलसरी नहीं है। तो प्राइम कॉस्ट निकालो 287,500। एक छोटा सा चीज था कि जिंदगी भर कैलसी ना यूज करो, सुनो ये 3.5 एग्जैक्ट फिगर था ना बेटा, 8 एग्जैक्ट फिगर था ना यार, मैं क्या बोलता हूं, या इसको फिर से डिवाइड करो या दोनों को ऐड करो, तुम्हारा आंसर वही आने वाला है 11.5। लिखो उधर, आगे एड, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर देखो जरा क्या किधर किधर FOH लिखा था। सबसे पहले फैक्ट्री रेंट इनर कॉलम में लिखते रहना बेटा, 35,000 डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 80,000 को बेटा कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। सो 80,000 डिवाइड बाय 25,000 कितना आता बेटा? 3.20। ऐड अप करो इस टोटल को, हम लोग बोल देते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट,
367,500 14.70. ये एस्ट्रिक यहां तक रहेगा, जैसे पिछली बार था, पिछली बार भी यहीं तक था मेरे ख्याल से। अच्छा, इसके बाद बेटा हम लोग क्या एडजस्ट करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो लिखो एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 60,000, क्लोजिंग स्टॉक 70। मेरे को बोलो इनके पर यूनिट हम लोग कैसे कंप्यूट करते हैं, बोलो। हम लोग इसके पर यूनिट कंप्यूट ही नहीं करते हैं, डैश ही डाला था पिछली बार भी, लिखो उधर डैश। एक मिनट, अगर इनका पर यूनिट कभी कंप्यूट करने का है तो सम के अंदर क्या डेटा होना चाहिए, WIP का क्वांटिटी, वो ही तो नहीं होता, इसलिए तो वो याद आता है। तो इसलिए तुम्हारा ये वाला भी जो आंसर है बेटा, इसलिए यहां पर वो एस्ट्रिक वो डालते हैं, क्योंकि एक मिनट मेरे को फिर से याद करो, इस चीज का पर यूनिट लाने के लिए एक्चुअली अपने को कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड करना चाहिए, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP। लेकिन कौन सा क्वांटिटी सम नहीं देता, वो सम की गलती है, तो इसलिए हम लोग मजबूरी के अंदर किससे डिवाइड कर लेते हैं, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड। सबको समझ में आता है, आगे चलते हैं। सुनो, इस नेट फिगर को अपन लोग क्या बोल देते हैं बेटा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट 357,500 डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लीज 14.30। मेरे को बोलो इधर ब्रैकेट आता है क्या, सॉरी क्या पूछ रहा हूं, इधर एस्ट्रिक आता है क्या, नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वैसे भी दिस खर्चा इज ओनली इनकर्ड फॉर फिनिश गुड्स, नो WIP का क्वांटिटी तो पीछे तुम्हारे रह गया, ठीक है। ये वाला काम हो गया, उसके बाद एड वो लंबा वाला चीज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। अच्छा, उसको अंडरलाइन करके एक ही चीज है वो लिख देना बेटा, सैलरी टू फैक्ट्री मैनेजर। कितने रुपीस का था बॉस, 10,000। This will give you, यहाँ पे अपने को यूनिट्स भी लिखना होता है तो थोड़ा सा जगह रखा करो। This is cost of production 367,500। ये 0.40 था ना, क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड कर रहे हो 11.70। आगे। अच्छा, यहां पे ना हम लोग हमेशा यूनिट्स लिखते हैं, दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट्स बेटा, 25,000 यूनिट्स यहां पे लिख सकते हो। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अभी तुम लोग मेरे लिए एक एहसान वो करने वाले हो, पहले यहां पे यूनिट्स लिख लो, फिर उसके बाद एहसान करने के बारे में सोचो।
अच्छा, COGS इज द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स विच आर सोल्ड. हाउ मेनी यूनिट्स वर सोल्ड यार? 26,000 यूनिट्स. अच्छा, अभी सब लोग अपना भेजा यूज करो. ये चीज अपन लोगों ने शुरू में वो लिखा भी था बेटा, 2000 शुरू में था, 25,000 और बनाया था. टोल कितना हो गया था? 27. कितना बेच डाला बेटा? 26. तो कहने से 1000 एंड के अंदर पड़ा हुआ है ना अपने पास, 1000. इसका नोट भी अपना वो बनाना बाकी है एक्चुअली. अभी सब लोग एक काम कर रहे हो, जिधर मैं टिक डाल रहा हूं वो वाले नंबर्स खत्म करो. तुम लोग जो पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था वही कर रहे हो बस. लिखा लिखा तो अभी देखेंगे. सुनो मेरे को बोलो, ओपनिंग स्टॉक पर यूनिट बेटा कॉस्ट कितना था? 16 नो पर यूनिट. तो यहां पे 16 आ जाएगा, विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 2000. तो कितना हो जाएगा बॉस? 32. अच्छा, बाय डिफॉल्ट यू फॉलो विच मेथड? फीफो. तो मैं क्या करूं उसके लिए? 14.70 इधर कॉपी पेस्ट करो इनटू 1000. बेटा कितना आ जाएगा? 14700. तो अभी कैलसी लो, पहले अमाउंट वाला कॉलम कंप्यूट किया करो और उसके बाद अपने को डिवाइड करने का है टू गेट द आंसर. ये कितना था बेटा? 384 800. अच्छा एक मिनट, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. दिस इज अ कॉस्ट ऑफ कितना यूनिट्स? 26,000. प्लीज इसको नेट ऑफ मत किया करो. ओके, तो यहां पे अभी तुमको रिकम्प्यूट करना पड़ेगा. 384 800 लो कैलसी के ऊपर डिवाइड बाय 26,000. कितना आता बेटा? 14.80. एंड जनरल एडमिन. अच्छा, जनरल एडमिन के अंदर बेटा कौन सा खर्चा था? दो खर्चे थे ना मेरे ख्याल से, सैलरी टू ऑफिस सेक्रेटरी और उसके बाद ऑफिस रेंट. एक 40,000 रुपीस, एक 8,000. वेट करो उसको एक मिनट. क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड कर रहे हैं कि क्वांटिटी सोल्ड से? COGS के बाद हर चीज क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड होगा. यू आर लास्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट. डिवाइड करो 48,000 अपॉन 26,000. कितना आता बेटा? 1.85. एक और चीज बाकी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. एक एडवर्टाइजमेंट है, बैड डेट्स. तुम लोगों ने बोला सर अपने को S&D के अंदर लेने का है तो मैं ले लेता हूं. सैलरी ऑफ सेल्स वुमेन,
15,000, 10,000, 25,000. कितना आ जाता है? 50,000. प्लीज डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड. बस टोटल कर देना और उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल देना और कुछ मत करो. बताता हूं क्यों. कॉस्ट ऑफ सेल्स सम की नजर देखो किधर सेल्स मिला क्या तुम लोगों को. देखो सेल्स मिला क्या किधर. सेल्स या प्रॉफिट दो ही चीज है वो बाकी इन दोनों में से एक चीज तो होनी चाहिए ना ताकि दूसरी चीज अपने को मिसिंग फिगर के तौर पे आ जाए. देखो दोनों में से कुछ भी है क्या तुम्हारे पास. देखो 15-20 पेज का तो कोई सम नहीं है. मेरे को जल्दी से देख के बता दो. नहीं है ना तो फिर वो छोड़ देने का. ओरिजिनल कॉस्ट शीट ना एक्चुअली जब बना भी था ना इट वॉज ओनली टिल कॉस्ट ऑफ सेल्स क्योंकि मेन एम इज टू फाइंड आउट कॉस्ट ओनली. ओके तो इन दैट पर्टिकुलर केस यहां तक भी खत्म कर दोगे इट इज ऑल फाइन ओनली. इसके आगे अपने को जाने की कोई जरूरत नहीं है. सेल्स दिया रहता है देन आई डू दैट प्रॉफिट एंड सेल्स ऑल्सो. अगर वो नहीं दिया हो यू ऑल कैन लीव इट टिल हियर. ओके सो दिस विल बी एंड ऑफ योर कॉस्ट शीट. अपने को दो वर्किंग नोट्स की जरूरत है. लिखिए वर्किंग नोट वन. देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो हम लोग को ये बैलेंसिंग फिगर मिला था ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स का था. 1000 नहीं कितने यूनिट्स का था. 2000 ना. 2000 ना. 2000 प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स 25,000 लेस क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स 26,000 This will be closing stock of finished goods. Working note 2 likho. Bad debts has been treated. Bad debts has been treated as S&D full stop alternately it can be treated as a financial expense. सुनो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन. यू ऑल आर कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाना. वो इजी क्वेश्चन है. सुनो मेरे को एक चीज जरा बोलो. अगर कभी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 0 होगा ठीक है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी 0 ही होगा तो मेरे को बोलो विच टू नंबर्स विल बिकम सेम.
क्वांटिटी प्रोड्यूस विल बिकम इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड. नो बेटा, अगर ये और ये जीरो होता है, दीज टू विल बिकम सेम. नो यार, वो ऑब्वियस बात है अभी, ठीक है. तो एक क्वेश्चन अभी वो वैसा, सो शुड बी एक्चुअली फार मोर सिंपलर एज कंपेयर टू द क्वेश्चन दैट वी ऑल हैव डन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, पढ़िए. प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट पर टन ऑफ पेपर मैन्युफैक्चर्ड बाय स्नो वाइट पब्लिकेशंस इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 अंडर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल्स, दो टाइप ऑफ डायरेक्ट मटेरियल है. कौन सा दो टाइप बेटा? एक पेपर पल्प्स और एक अदर्स. तो पेपर पल्प्स 1100 टन कंज्यूम किया एट द रेट ऑफ 70, अदर मिसलेनियस 300 टन एट द रेट ऑफ 50. डायरेक्ट लेबर 200 स्किल्ड लोगों ने 25 डेज काम किया, वी पेड देम एट व्हाट रेट? यार 6 पर डे. वैसे 175 सेमी स्किल्ड फॉर 30 डेज एट 5, 150 अनस्किल्ड 25 डेज एट 4. डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस स्पेशल डाइज, अभी दिया हुआ है तो चलो दिया ही हुआ है. मेरे को बोलो वर्क्स ओवरहेड्स बोले तो फैक्ट्री ओवरहेड, उसी का ऑल्टरनेट नेम है, ठीक है. वेरिएबल एट 100% ऑफ वेजेस, फिक्स्ड एट 50% ऑफ वेजेस. तो वर्क्स ओवरहेड्स का भी दो पार्ट है, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 26313 में, तब देखो अरे बेटा एडमिनिस्ट्रेशन तो दो टाइप का हो सकता है, या वो लंबा वाला या जनरल एडमिन. ओके, कुछ नहीं बोला होता ना तो आप उसको जनरल एडमिन ही पकड़ोगे. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को अंडरलाइन करो, और उसके लिए अजम्पशन लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, वो इंप्लाइड चीज है, नीचे लिख सकते हो जनरल एडमिन इज 26313. आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इज 56625, सब कुछ डायरेक्टली दिया हुआ है. फिनिश्ड पेपर मैन्युफैक्चर्ड अंडरलाइन करना 1000 टन्स, तो कितना टन्स ऑफ पेपर बना है? 1000, तो दिस इज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स. सेल्स एट द रेट ऑफ 400 पर टन, तो ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा. सुनो मेरे को जरा, बोलो पूरे क्वेश्चन के ना कुछ भी स्टॉक करके आया क्या? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, कुछ भी स्टॉक करके आया क्या? नहीं आया ना, तो तुम्हारे लिए वो गुड न्यूज है. ओके, अपने लिए सम बहुत छोटा होएगा, ठीक है. दो मिनट के लिए वो रुकना. क्वेश्चन के अंदर कंपनी का नाम दिया हुआ है, अगर नाम वो दिया हुआ है, ओके, यू विल बी राइटिंग नेम ऑफ द कंपनी. मेरे को बोलो नेम ऑफ द कंपनी क्या है? दो मिनट के बाद स्टार्ट करो, बोलो. स्नो वाइट पब्लिकेशन, तुम लोग पूरा का पूरा लिखना, ठीक है. कॉस्ट शीट फॉर द मंथ एंडेड, मेरे ख्याल से मंथ का नाम भी है, बोलो क्या है? मार्च 2019, ठीक है. सुनो एक और चीज, सम के अंदर देखो जरा, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स कितने टन्स का था? देखो नेक्स्ट पेज पे अपने पास दिया हुआ था 1000 टन्स. लेकिन मैं तुमको क्या बोलता हूं, इस सम के ना कोई क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है. नहीं है तो अभी आगे कुछ बोलो. अभी अभी बोला था जितना प्रोड्यूस किया, आगे बोलो उतना बेच भी दिया. सो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू कितना टन्स? 1000 टन्स, ठीक है. एक यहां पे टोटल का कॉलम आ जाएगा, एक पर यूनिट का. तुमको बहुत काम है तो आराम से वो बैठो पहले. ओके, तो यहां पे ऑल योर कॉलम्स विल स्टार्ट टू कम. तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल्स, वो दो बार कंप्लीट करने का, एक बार पेपर पल्प्स और एक बार क्या है? अदर मिसलेनियस मटेरियल. पेपर पल्प्स कितना टन्स लगा बेटा? 1100 इंटू 70, ये वाला आ जाएगा 300 इंटू वो जो भी है, ठीक है. फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर मटीरियल्स, इस फिगर को क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड कर लेना. ओके, तो तुमको ये वाला चीज मिल जाएगा. डायरेक्ट लेबर, स्किल्ड आ जाएगा, सेमी स्किल्ड आ जाएगा, अनस्किल्ड आ जाएगा. मेरे को बोलो स्किल्ड के कितने लोग काम कर रहे थे? 200. एक मंथ के अंदर वो लोगों ने कितने दिन काम किया? 25. हर दिन के लिए कितना पैसा दिया? 6 रुपीज. फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर, टोटल फिगर डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, तो तुमको ये वाला फिगर मिल जाएगा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस है स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस, और उसके बाद स्पेशल डाइज 10,000, 5,000, 15,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड कर लेना. तो तुम लोग कहां तक पहुंच जाएगा बेटा? प्राइम कॉस्ट, ठीक है. प्राइम कॉस्ट तक यहां तक तो चलो पहुंच गए. उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा? एड फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर एक यहां पे वेरिएबल है, एक यहां पर फिक्स्ड है.
जो वेरिएबल है वो लिखा हुआ है 100% ऑफ वेजेस. एक मिनट, उतना मैथ सबको आता है, कहीं से 100% ऑफ वेजेस मतलब सेम एज वेजेस नो. तो ये जो भी स्क्रीन पे देखो, ये तुम्हारा वेजेस था, ये तुम्हारा वेजेस था, उसका 100% इधर आ जाएगा, मतलब सेम फिगर विल कम नो यार. और एक और बार भी है, मेरे को बोलो फिक्स्ड वाला पोर्शन कितना है, 50%. तो ये जितना भी था उसका 50% इधर आ जाएगा. दिस विल बी योर फैक्ट्री ओवरहेड. ठीक है, सुनो. इसके बाद यूजुअली क्या एडजस्ट होता है, WIP स्टॉक. लेकिन WIP स्टॉक तो है ही नहीं, तो तुम लोग इसी चीज को बेटा क्या बोल सकता है, फैक्ट्री कॉस्ट. अभी ग्रॉस और नेट वर्ड यूज भी मत करो, वैसे भी WIP स्टॉक तो है ही नहीं ना यार. तो डायरेक्टली टोटल को क्या बोल देने का, फैक्ट. सब लोग को समझ में आ रहा है? हो जाएगा बाद में कंप्लीट. हाँ ठीक है, अभी इसके बाद बहुत छोटी छोटी चीजें वो बच गई. सुनो, एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिन ऑफ फैक्ट्री, वो तो है ही नहीं. ओके, तो कहीं से यही वाला टर्म क्या बन जाएगा, COP. अभी लेकिन एक और चीज, इस सम के ना तो फिनिश गुड्स का भी स्टॉक नहीं है, तो मेरे को बोलो यही वाला टर्म फिर से क्या बन जाएगा, COGS. सबको समझा? बस लास्ट दो कहानियां, एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एक SND. क्या ऐसे, ये एडमिनिस्ट्रेशन जनरल वाला है ना बाय डिफॉल्ट, अमाउंट दिया हुआ है डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, बट क्वांटिटी सोल्ड एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड आर सेम ओनली नो, वो 1000 टन्स ही है. ठीक है, एक बार ये वाला काम कर लेगा तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा. एट प्रॉफिट गेट सेल्स, मेरे को बोलो टेक्स्ट बुक इन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्या, 400 per ton. तो 400 per ton, पहले मेरे को बोलो कितना टन बिचा, 400 × 1000 कितना आ जाएगा, 4 lakh rupees. एंड दिस प्रॉफिट विल बी नथिंग बट योर बैलेंसिंग फिगर. सबको समझ में आ गया? मैं 10 मिनट दे रहा हूं, 10 मिनट के अंदर तो आसानी से हो ही जाएगा. यू विल गिव द हेडिंग प्लीज, नो वाइट पब्लिकेशंस. यहां पे कोई वर्किंग नोट्स वगैरह किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है. लिखो कॉस्ट शीट फॉर the month of March 2019. Your stopwatch is there on the screen. तुम्हारे पास 10 मिनट हैं. Start करो और neatly काम किया करो. Better to be neat.
ये कर लो, दिस विल बी योर आंसर, जब हो जाए यू विल कैन लीव.